हेलो मैम, कुरियर। किसके नाम का कुरियर? अर्चना देशमुख। आई का कुरियर? साइन कर दीजिए यहाँ पे प्लीज। नंबर लिख दीजिए नीचे। थैंक यू। थैंक यू। ये तो किसी एडवोकेट रानी का कुरियर है, मतलब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। पर एग्जैक्टली है क्या? कैसे पता करूं? ओपन करूं क्या? अगर नीना किसी और के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, इट्स अ बैड मैनर। और अगर आई को पता चल गया तो कि मैंने उनका कोरियर खोलकर देखा है? नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, आई के कमरे में रख देती हूँ। अगर देखना तो पड़ेगा नीना, अगर विल से रिलेटेड कुछ हुआ तो। वैसे भी आई इंडिया विल के लिए आई है, और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। एक काम करती हूँ, खोल कर देखती हूँ, बाद में चिपका कर रख दूंगी। तो विल है क्या? आई ने सारी प्रॉपर्टी सोहम, ओवी और तेजू के नाम की, सचिन के नाम पर कुछ भी नहीं। कैसे कैसे हो सकता? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। नीना क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? पूरा सपना और डेंजरस भी। आई के नाम का कुरियर आया था, और पता है उस कुरियर में क्या था? क्या? आई की विल। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आई की विल आज नहीं तो कल बनने वाली है ना। सो जाओ नीना, तुम भी ना। पर सचिन, उस विल में तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं था। What? Actually, सपने वाली विल में आई ने सारी प्रॉपर्टी सोहम के नाम कर दी, पर तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है। नीना, पर काइंड इंफॉर्मेशन, सपने और सच में बहुत फर्क होता है, एंड आई एम श्योर रियलिटी में भी वैसे ही होगा। मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिलेगी। सचिन, तुम इस गलत फहमी में मत रहो। मैं जानती हूँ आई सोहम को कितना प्यार करती है। वो आ जाएगा ना तो देखना। वैसे भी पता नहीं वो इतने साल कहाँ रहा होगा, उसका परिवार है या नहीं है। अगर वो गरीब हुआ ना तो हो गया हमारा कल्याण। वैसे भी तुम्हें इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम निग्लेक्ट किए जाओगे, हमारी प्रायोरिटी उसे ही दी जाएगी। और तुम्हें लगता है मैं ये सब होने दूंगा? मैं चुपचाप खड़ो के तमाशा देखूंगा? नॉट एट ऑल। अगर मैं अपनों के लिए सैक्रिफाइस कर सकता हूँ तो अपना हक भी लेना जानता हूँ। और वैसे भी ये सब होने वाला है जब सोम यहाँ पे आएगा, आज वो यहाँ नहीं है। और सच कहूँ तो उसके आने की यहाँ घर पे गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि मैं सोम को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस घर में कभी नहीं आएगा। सचिन, तुम समझ नहीं रहे हो, आई बाबा ने उसे घर लाने की ठान ली है। देखा नहीं तुम्हें कितने एक्साइटेड थे वो? नीना, उनके एक्साइटेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी इस कोशिश में वो कभी कामयाब नहीं होगी। अगर ऐसा होता भी है तो तब की तब देखेंगे। तू अभी से क्यों परेशान हो रही हो? रिलैक्स और अब सो जाओ। पता नहीं कैसा बुद्धू हस्बैंड मिला है, सोम की सीरियसनेस को कभी समझेगा ही नहीं। गॉड प्लीज सोम को घर मत आने देना। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल नारायण बाबू। अरे भाई साहब, अरे दरवाजा क्या यहाँ से? नारायण बाबू खोल। अरे भाई, अरे नारायण बाबू। क्या हो रहा है? सरकार तोरी का भगवान समझे थे? तू है भगवान निकला? अमरीश पॉइंट को कैसे छोड़ा? अगर अमरीश पॉइंट को तेरे छोड़ा कौन? और तो शादी की तो तेरे को चांस तो मार देगा, समझ क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी हम क्या लग तू कर रहा है? चांस तो मार देगा तेरे को। गार्ड, बाहर से। अंदर कैसे आ गया? Get him out! हम अपनी बेटी का इंसाफ मांगने आए, उसके जवाब मांगने आए, जवाब दे हमें। कहो तुम्हें जवाब चाहिए तो जाओ जाके अपनी बेटी से पूछो, वो तुम्हें सच्चाई बताएगी कि क्यों नहीं रहती अब वो यहाँ, समझे? मैडम जी, जस्ट शट अप, ओके? मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, समझते हो तुम वो क्या होता है?
समझौते की शादी, जिसके लिए उसे एक अच्छी खासी मोटी रकम मिल चुकी है। नरेन ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब वो इसकी बीवी नहीं है और ना ही इस घर की बहू। यू गेट दैट? अरे बकवास मत कर, तूने फायदा उठाया मेरी बेटी का, सब जानते हैं। छोड़ा मेरे को, सब जानते हैं। इन्हें उठा के भाग भेजो यहां से। फायदा फायदा तो तुम लोगों ने उठाया है हमारा, हमारी अच्छाई का। कितनी बार ब्लैकमेल किया तुमने हमें, हां कितनी बार पैसे मांगे हमसे तुमने, तुम्हारी बेटी ने? मैडम जी, अगर एक तो सब अपनी बेटी के बारे में बोला ना, हमरे से बुरा कोनो नहीं होगा, हम भूल जाएंगे कि तू भी एक औरत है, समझ गई? क्या हो रहा है ये सब, ये क्या नाटक चल रहा है यहाँ पे? ये कोई टाइम है किसी घर पे आने का? और अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ अपनी बेटी से बात करो। छोड़ो मेरे को, ए तू को मत बोलो, भाग निकलो इससे। ए डाडा छोड़ दो, आप कहां जा रहे हो? पुलिस के दो डंडे पड़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अबे राघव मात्रे, तू समझता क्या अपने आपको? दरवाजा खोल। तूने नरेन कर मारकर पे हाथ डाला, बंद कर दो इसको। लगता है लाला पकड़ा गया। पालन बच के रहना, अगर लाला को तनिक भी भनक लग गई ना कि उसको पकड़वाने में तेरा हाथ है तो तेरी खैर नहीं बस। लेकिन बिना पैसा लिए तुम यहां से जा भी नहीं सकता हूं। न जाने कब हमारा पैसा आएगा और कब हमको इस झंझट से छुटकारा मिलेगा।